और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आज की जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो पर्पस बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्पस है। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से, या कई सालों तो नहीं बोलूंगा लेकिन लास्ट ईयर स्पेसिफिकली से बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, जब जब से सीबीएसई ने एमसीक्यू पे फोकस किया है। जी हाँ, आपने करेक्टली गेस किया है, वो क्वेश्चन है आपके एजर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि भैया कैसे हम क्रैक करें एजर्शन रीजनिंग को पहले ही अटेम्प्ट में। भैया ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होता है ये वाली ट्रिक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो स्ट्रेटेजी जिसका नाम है क्रैकिंग एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो आपके लिए मैं एजर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग एज वेल एज स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं पूरी आपको ट्रिक बताऊंगा कि भैया कैसे करनी है। ध्यान से सुनिएगा भैया, सारी चीजें आसपास की सारी हटा दो, घर वालों को मना कर दो कि भैया मेरे को 10 मिनट डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है ना, क्योंकि देखो 3 से 4, 5 से 6, मतलब इतने तो एटलीस्ट लगा के चलो एजर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, खासकर थ्योरेटिकल पेपर जो होते हैं आपके, इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडीज हो गया। तो ये वाली ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो वाले क्वेश्चन को क्रैक करने में, को ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन ये है कि एजर्शन में बोलता है वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वेयर एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमने क्या करना है, फॉर द टाइम बीइंग भूल जाना कि हमें पूरे क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को सिंगल हैंडेडली सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना। भूल जाओ कि और कोई ऑप्शन दिया है, ये वो फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़े तो हमें क्लियरली दिख गया कि भैया एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये गलत है, क्योंकि एक्स पोस्ट जो होता है वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके प्लान उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें यहीं से पता चल गया कि भैया हमारी जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है, हमारे जो दो ऑप्शन होते हैं एजर्शन रीजनिंग में वो होते हैं एजर्शन ट्रू, एजर्शन ट्रू, तो ये दोनों तो ऑप्शन आउट ऑफ स्कोप हो गए। तीसरा एजर्शन इज ट्रू और चौथा एजर्शन इज फॉल्स। तो जब हमें ये पता चल गया कि एजर्शन हमारा फॉल्स है तो उस पे तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने देखो रीजनिंग पढ़ी भी नहीं, क्यों? रीजनिंग में तब बढ़ता अगर इसमें एक ऑप्शन ये होता बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो अगर ऐसे वाला ऑप्शन देता तो फिर वो हमें फंसा देता। देखो एमसीक्यू में जरूरी नहीं है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज लगे, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है, टाइम बचता है आपका, खासकर आप जब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आगे जाओगे। ये सारी चीजें हम एडू कैप्टन के कोर्सेज में हम करवाते हैं, तो एक बार उसको चेकआउट करना, ये सारी ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एमसीक्यू और थ्योरेटिकल पेपर में ना एक जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, थ्योरेटिकल पेपर आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, एमसीक्यू में कई बार ना ये ट्रिक्स एडॉप्ट करनी पड़ती है। तो यही ट्रिक्स के साथ आपने बोर्ड एग्जाम में जाना है, खासकर ऐसे क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो अगर वो हमें ऑप्शन नंबर सी देता बोथ आर फॉल्स, तो मेरे को पता है कि एजर्शन तो फॉल्स है, ये मेरे को एक बारी रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती। ठीक है, चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं पढ़ देता हूं। एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एसे इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, ये हमें अच्छे से पता है, एस इज इक्वल टू आई होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी ओनली आंसर। तो आप देख रहे हो यार, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट वन पढ़ी एजर्शन इंडिविजुअल लेवल पे, मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया, कहीं बच्चे होंगे सीधा ही कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो नहीं, मेरे को मैं भूल जाऊंगा कि मेरे को इस स्टेटमेंट के अलावा और कुछ दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे को यहीं से पता चल गया ये रूल आउट हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भी रूल आउट, ऑप्शन सी भी रूल आउट, बचा ही ऑप्शन डी, भैया फिर मैं रीजनिंग पढ़ूं भी क्यों। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, लेकिन ये ट्रिक आपने तभी अडॉप्ट करनी है जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि एजर्शन फॉल्स ही है। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्स एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ये ट्रू है, ये तो भैया मुझे पता चल गया कि ये ट्रू है, तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर डी खत्म। मतलब अब देखो ना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में अपने गलत होने के आंसर की कम करता जा रहा हूं, कि इन केस हद मार के अगर ऐसा हुआ कि भैया मेरे को आंसर आ ही नहीं रहा तो मेरे ऑप्शन कम रह गए ना, मेरे को ए बी या सी में से ही कोई टिक करना होगा, क्योंकि डी तो मैंने रूल आउट कर दिया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक भी एक अच्छी है, टेक्निक होती है। तो सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव, हमें पता है जो सेविंग कर्व होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ डिस सेविंग्स। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं रीजनिंग।
सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी भी रूल आउट हो जाता है, जिसमें एजर्शन ट्रू और रीजनिंग फॉल्स लिखा हुआ है। तो अगेन मेरी और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आंसर ठीक होने की, अगर मैं लास्ट में तुक्का भी मार दूं तो ये 50-50 हो गया ना, केबीसी की आपकी वो लाइफ लाइन की तरह, तो चांसेस सही हो जाते हैं। अब बस मेरे को ये देखना है कि क्या ये आपस में कोई एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, रीजनिंग के अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मेरे को कंबाइन कर देना, रीड करना एज अ वन स्टेटमेंट। मैं क्या करूंगा, मैं बीच में लगा दूंगा बिकॉज, इनके बीच में मैं क्या लगा दूंगा, मैं बीच में लगा दूंगा बिकॉज। अब मैं एक साथ एक ही सांस में कैसे स्टेटमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा सेंस बन रही है कि नहीं बन रही। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बिकॉज सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। भैया बैठ ही नहीं रहा माइंड में वो साउंड। कई बार होता ना यार, हम इंग्लिश बोलते हैं और हमें खुद को पता चल जाता है कि यार वो वर्ड मैंने या फिर वो प्रेपोजिशन मैंने गलत यूज कर दिया, क्योंकि वो साउंड वो बैठ ही नहीं रहा था, माइंड को ही पता चल गया कि भैया कुछ गलत निकला है मुंह से। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे को ना ये रीड करते हुए लगा कि यार मैंने सेविंग कर्व और ये एजर्शन और रीजनिंग को एक साथ पढ़ा, बीच में बिकॉज या एट लगाकर, तो वो सेंस ही नहीं बैठ रही कि भैया सेविंग कर्व नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता क्योंकि वो फंक्शनल रिलेशन है ना, कोई सेंस ही नहीं बैठ रही। तो इसका मतलब है मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कि एजर्शन रीजनिंग ट्रू तो है बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या है, एजर्शन रीजनिंग वाला सीन नहीं है, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो स्टेटमेंट नंबर वन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये करेक्ट है ऑब्वियसली कि भैया जो थ्योरी में हम पढ़ के आते हैं और जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो ट्रेनिंग हेल्प करती है उन दोनों को ज्वाइन करने में। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉइज विद लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड, बिल्कुल ठीक है। और इसमें कुछ बिकॉज वाली ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन ही नहीं होता। तो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऐसा होता, देखो अगर मैं पहली पढ़ता कि यार इसमें कुछ गलत होता स्टेटमेंट वन में, तो मेरे को पता चल जाता कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, एक यहां लिखा हुआ है यहां, तो बी और डी में से ही मेरे को एक ऑप्शन टिक करना था। तो इन केस हद मार के मेरे को क्वेश्चन ना भी आया तो मेरे चांसेस बढ़ गए ना भैया। अगले इस पे आते हैं, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने एलपीजी चैप्टर भी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जो एडवाइस थी वो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ही मिली थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान भी एक्सटर्नल प्रेशर में ही था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, या मेरे को पता चल गया स्टेटमेंट वन तो फॉल्स है, तो बी या डी में से करेक्ट आंसर होगा। अब मैं दूसरे पे आता हूं, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द एसईजी पॉलिसी एंड रीप्ड इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ना भैया, पाकिस्तान तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था एसईजी पॉलिसी में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं ना ये टेक्निक थोड़ी सी अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल चेंज करते हैं ना, तो आंसर अपने आप क्रैक कर लेते हैं। भैया बनाने वाले भी तो इंसान ही है, तो क्रैक करने वाले भी इंसान है, और आप लोग जो देख रहे हैं वीडियोस वो भी इंसान है, तो क्यों नहीं होगा। मेरे को इतनी सी बार बार तो पता नहीं क्यों इतना हाइप बना देते हो इन क्वेश्चंस का, बट डरना क्यों है भैया जब एडू कैप्टन है। तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजनिंग का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ध्यान से पढ़िएगा, अगेन बिकॉज वाली जो टेक्निक है देखते हैं लगती है कि नहीं। तो एजर्शन है, इन द लेट 1970s चाइनास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन। ना, ग्रोथ रेट तो उसका कम ही था, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन ग्रोथ रेट कम ही था। ठीक है, 1970s में उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी वाला जो नॉर्म है वो आया था, लेकिन ग्रोथ रेट तो उसका पहले से ही कम था, तो लेट 1970s में ऐसा नहीं है, तो assertion false हो गया। assertion false सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। मैं रीजनिंग पे जा ही नहीं रहा, मेरे को पता ही है जब ले देकर आंसर ही यही बनना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, वही अगर सी पार्ट दिया होता बोथ आर फॉल्स तब मैं रीजनिंग पढ़ता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ही इजी हो सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस या ऐसी स्ट्रेटेजीज हम बनाते रहेंगे, और ऐसे ही स्ट्रेटेजीज आपको लाइव क्लास में हम पढ़ाते रहेंगे जब आप एडू कैप्टन के कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं। भैया बहुत ही मजे तरीके से करवाते हैं, जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी है बहुत ही अच्छे, भले ही वो CUET, IPMAT, क्राइस, जेवियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों मिलते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है प्रिंस भैया एंड फैकल्टी की। ठीक है, उसके अलावा रैंक निकलती है भैया भरपूर
बहती हैं यहाँ से, ठीक है। AIR CUET 1 IPMAT 13 24 37 30+ बच्चे, SRCC 30+ बच्चे, शहीद सुखदेव, इट इज नॉट अ जोक माई किड, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, ठीक है जी। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम और ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आते रहे ताकि पेपर में आपको हेल्प हो सके। भैया जी, हम आपके लिए ही हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।